दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं जो कि हम बात करने वाले हैं एलईडी लैंप्स के बारे में। तो एलईडी लैंप्स के बारे में अब आपसे डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है, कैसी उसकी लुक आती है। तो दोस्तों बहुत सारे आइटम्स हैं जो हमारे पास नए आए हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया क्यूब हो गया है, और इसके बारे में हमने पहले लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी। ये हो गया हमारा एक लैम्प, वो हो गया, और एक ये शेडो लैम्प है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद इसकी शेडो किस तरीके से आती है, इसकी शेडो किस तरीके से आती है, इसका ग्रेस किस तरीके से आता है, और ये लैम्प तैयार होने के बाद कैसी लगती है। दोस्तों हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आने वाले हैं आए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे फोटो टेल्स के बारे में। टेल्स में कई क्वालिटी होती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कई तरह के बियर्स मग आए हैं, अलग अलग साइज़ में फ्रॉस्ट मग है, क्लियर मग है, तो नेक्स्ट टाइम हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद और कई ऐसे फ्रेम्स आए हैं जो कि मार्केट में अभी न्यू हैं, तो धीरे धीरे हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके तक जाती रहे। तो दोस्तों इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो है L805 प्रिंटर जो कि मैं यूज़ करता हूँ, हमारा सिस्टम हो गया और हमारा हीट प्रेस मशीन हो गया। दोस्तों हम जो आपके पास भेजेंगे या आप हमसे अगर कोरियर मंगवाते हैं, ट्रांसपोर्ट मंगवाते हैं या सामान मंगवाते हैं, तो हम आपको इस तरह के बॉक्सेस में डाल के देंगे, सेफ रहता है। तो हम इसी टाइप से आपको पैक करके देंगे जो भी आप मटेरियल मंगाएंगे। ये हमारा हो गया लैम्प, इसमें हम आपको मिलेगी एक मशीन, ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर होगी एक शीट जो कि सब्लिमेशन होता है, ये शीट आपको मिलेगी, इस तरीके से आपको रखनी है और इसके अंदर रख देनी है। और इसके साथ मिलने वाला है आपको ये, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, इस टाइप से आपका फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम तैयार करके देखेंगे किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है और क्या क्या इसके साइजेस होते हैं। एक हमारा होता है ये रोटेटिंग लैम्प जिसे हम कहते हैं, इसका बिग साइज़ है। तो बिग साइज़ को हम किस तरीके से तैयार करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ये आने वाला है, इसकी शीटें आएंगी, ठीक है, और इस तरीके से बैक बॉक्स में पैक आएगा। इसकी मशीन आएगी, बहुत आसान सिस्टम होता है, प्रिंटिंग करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर आप अच्छे से करना जानते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे इसे प्रिंट करने में। तो ये इसकी शीटें होंगी, इसमें 5 शीटें होंगी, ये हम आपको देंगे, ये हम आपको देंगे और ये हम आपको देंगे। तो ये मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से तैयार करते हैं, ये हम आपको बताएंगे किस तरीके से तैयार करते हैं। ये इसका छोटा साइज़ होता है, ये लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से तैयार करते हैं। और दोस्तों आपने देखी होगी शेडो लैम्प आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से बॉक्स होगा, इस बॉक्स में हम आपको पैक करके देंगे, जितना भी आप लॉट मंगाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय कोरियर बाय ट्रांसपोर्ट ये आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका शेडो लैम्प। इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें वाइट शीट होती है, ठीक है, और इसमें होती है ट्रांसपेरेंट शीट, ये ट्रांसपेरेंट शीट होगी जिसके कारण से शेडो आती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको पहले बताऊंगा किसको तैयार करेंगे, पहले हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हमें करना होगा ये शीट, इसके लिए मैंने एक A4 शीट इसके साइज़ का ये निकाल लिया है, इसको हमें ऐसे रखना है और सिर्फ इसको हीट ट्रांसफ़र कर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टेप लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर ना हो। तो हमने टेप लगा ली है, अब इसको क्या करना है, सीधे ट्रांसफ़र करेंगे। दिखाता हूँ, मशीन हमारी गर्म हो चुकी है, इस पर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। जो पेपर वाली शीट होगी इसको ऊपर रखेंगे और जो ये होगा उसे नीचे रखेंगे। ये रखा, इसके ऊपर हम रखेंगे टेफ्लॉन शीट ध्यान से और 60 सेकेंड्स के लिए इसे प्रेस डाउन कर देंगे। टाइम हो चुका है ओवर,
हमारा शीट हो चुकी है प्रॉपर प्रिंट। गर्म होगा तो ध्यान से आपको ये हटाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, जूम करके दिखाइए कितनी अच्छी क्वालिटी आई है, कितना अच्छा प्रिंट आया है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सीधे लगा देना है और हमारी लैंप हो जाएगी, वो हो जाएगी रेडी। तो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा गर्म होगा। हमें क्या करना होता है, इस टाइप से ये लगाना है, ठीक है, और इसके अंदर रख देना है सिर्फ। ये हमारा प्रिंट हो जाता है रेडी। इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंट रेडी हो चुका है। सेकंड हम वर्क करेंगे, ठीक है, सेकंड हम वर्क करेंगे। बड़ी लैंप है हमारी, ये रोटेटिंग लैंप होगी, इसके ऊपर वर्क करेंगे। इसके ऊपर क्या करना है, हमारे को यहाँ पर टेप दे रखी है, ये देखिए 3mm की टेप है, 3mm क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। इसका ऊपर का रैप होगा, इसे हटा देंगे। हमारे पास ए ग्रेड के इंडियन मग्स भी आए हैं, तो ए ग्रेड के इंडियन मग हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इंडियन का इंडियन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं सारे जो भी इंडियन मग्स होंगे सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे निकल चुके हैं। इसको हमें क्या करना है, हमने एक पेपर काट निकाला है, ये इसके जो शीट्स हैं वो हैं ये। इसको क्या करना है, ये हमें 5 शीटें मिलेंगी, साइड की 4 हो जाएंगी और एक ऊपर की हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना होगा, हीट प्रेस मशीन के ऊपर आपको कागज़ ऊपर रखना है, पेपर ऊपर रखना है और ये नीचे रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हर बार टेफ्लॉन शीट लगाएंगे और 60 सेकेंड जो हमने टेप लगाई है इसको ऊपर हमें अंदर से लगाना है इस तरीके से, और रख देना है नीचे, कुछ भी नहीं करना है। सेम प्रोसेस ये वाला होगा, इसको हम इस साइड लगा देंगे और रख देंगे इसके ऊपर। ध्यान से काम करना पड़ता है, ये हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारे चारों तैयार हो चुके हैं, इस टाइप से प्रिंट आएगा। ये हमारा अपर होगा, ठीक है, ये हमारा इस साइड से लग जाएगा और ऊपर हो जाएगा सेट, ठीक है। तो हमारा ये भी तैयार हो चुकी है। ये क्यूब होती है, इसको दोस्तों लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसे लगाने में और सबसे ज़्यादा शायद ये आपको मार्जिन दे पाएगा। तो इसमें क्या आता है, हम आपको ये सारे जो पार्ट है ये सभी देंगे, इसके ऊपर सबके ऊपर टेप लगी हुई है, ध्यान देना है आपको, और हम आपको ये देंगे, ये लॉक होते हैं, तो इनसे ही आप इसको बना पाएंगे। क्या करना होता है, ये हमारे जो लॉक हैं इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, आपको क्या करना है, ये इसमें फंसाना है सिर्फ, आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये फंस गया और ये फंस गया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी हो जाएगा। ये लग गया, ये लग गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये इस टाइप से लग जाएंगे आपके सारे। आपको क्या करना है, ये दो पार्ट होंगे, इन दोनों को यूं लगा देना है, ये लग गया।
तो दोस्तों देखिए ये हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है इसका क्यूब। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे। तो अभी आप अपने को क्या करना होता है, इसके साथ आते हैं 11 ये कॉस्टर्स होते हैं, ये भी ये 11 आते हैं। तो हमने क्या करा कि ये इसको हमने स्कैन कर लिया साइज़ के लिए और हमने फ़ोटोज़ निकाल लिए। हमें क्या करना है, इस टाइप से फ़ोटोज़ लगानी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इस टाइप से फ़ोटोज़ लगानी है। और फ़ोटोज़ के साथ हमें सिर्फ टेप यूज़ करनी है, जहाँ जहाँ इसको सेट करके टेप लगा देंगे ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं। चलते हैं हीट प्रेस मशीन की तरफ। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा कोई मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। पेपर साइड ऊपर रहेगी और ये नीचे रहेगा, टाइमिंग 60 सेकेंड्स के लिए। इसको प्रेस डाउन करेंगे, प्रिंट निकाल लिया है, ये हम इसे सभी को निकाल लेंगे बाहर। आपको ध्यान देना है, ठंडा होने के बाद निकालना है। अभी हमें वही सिस्टम करना है, हम इसके नीचे सब पे टेप लगी हुई है तो हमें ये टेप निकालनी है। ये फ़ोटोज़ पहले हमें ये क्लियर करना है कि ये लगेगा कहाँ से। तो लगेगा दोस्तों हमारा ये जो पार्ट देख रहे हैं, एक में आपको ये पार्ट नज़र आएगा, तो ये नीचे रहेगा हमेशा, तो हमें इसी टाइप से लगाना है। ये हमारा नीचे रहेगा तो हमें ये वाले पार्ट जो है ये ऐसे रहेगा, तो ये हमें ऐसे लगाना है इस टाइप से। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, गलती ना करें, क्योंकि फ़ोटो उल्टा लगेगा, फिर आपको निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का बिल्कुल 100% ध्यान दें। एक बार इसे रख के देख लें, ऐसे लगेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है, क्यूब हमने रेडी कर दिया, सारी फ़ोटोज़ लगा दी हैं, ठीक है। इसके साथ हमें क्या मिलता है, ये मशीन होगी और ये होगा। इसको क्या करना होता है, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे स्टेप से इसे सेट करना है, ठीक है। ये हमारा सेट हो जाएगा, इसको आप लोग, हम लोग इसे बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं ताकि हिले ना, और इसको यूँ कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। अभी घूमने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमारे तीन आइटम जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। फोर्थ हमारा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये है हमारा शेडो लैम्प। अभी मार्केट में नया है, तो इसमें क्या होता है, शेडो चलेगी तो ऊपर जितने भी फ़ोटोज़ इसमें लगेंगे वो आपको परछाई में नज़र आने वाले हैं। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल वही प्रोसेस होता है। कोई शीट पर, ये हमारी इसकी जो शेडो लैम्प की शीट आती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, 1 2 3 4 5 आएंगी ट्रांसपेरेंट होंगी, इनको रखना है, वही सेम प्रोसेस होगा, टेप लगानी है, ठीक है। चुका है, इसको भी वही सेम प्रोसेस करना है, पेपर साइड ऊपर रहेगी और ये साइड नीचे रहेगी इस टाइप से, टेफ्लॉन शीट यूज़ करेंगे और 60 सेकंड्स के लिए से प्रेस डाउन कर देंगे। तो दोस्तों शेडो लैम्प के लिए हमारे प्रिंट आ चुके हैं, हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुकी है इंक। एक चीज़ बताना ज़रूरी है आपको कि ये देखिए, इसका जो प्रिंट आया है ये ब्लैक कलर में आपको सही आएगा, जो आप फ़ोटोज़ लेंगे वो काफ़ी लाइट आएगा। तो लाइट आएगा तो घबराए ना, क्योंकि इस पर प्रिंट ऐसा ही आता है, लाइट आता है, ठीक है। इसी टाइप से लगाना है हमें, इसको इसी टाइप से लगाना है, और जो फ्रंट होगा ऊपर होगा उसको भी हम लगा लेंगे इसी तरीके से, और ये हो जाएगा ऊपर की साइड। तो ये भी हमारा, ये चारों तैयार हो चुके हैं। हम इसे प्ले करके दिखाते हैं आपको किस टाइप से आता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे चारों प्रोडक्ट हैं वो जो रेडी हो चुके हैं। ये आपका लैंप है, बड़ा साइज़ है, रोटेटिंग लैंप, ये आपका राउंड रोटेटिंग लैंप है, ये आपका क्यूब है और ये आपका शेडो लैंप है।
ये शेडो लैंप ऐसे वर्क करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, ये हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं। अभी आपको कहीं भी चाहिए, एक प्रोडक्ट, दो, तीन, चार, पांच, जितने भी आपको चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं बाय कोरियर बाय ट्रांसपोर्ट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।